हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सभी लोग लाइव आ जाएं, उसके बाद जो आज की क्लास उसको हम स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास फेसबुक ऐड पे, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं फेसबुक एड्स पे, और इस पे हम पूरा डीप में बात करेंगे। फेसबुक ऐड क्या होता है, कैसे हम ऐड कॉपी बनाते हैं, कैसे हम ऐड रन करते हैं, वो सब हम बात करेंगे। फिर सभी सभी लोग लाइव आ जाएं फटाफट। वेरी गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग लाइव आ जाए, फिर जो आज की क्लास है फेसबुक ऐड पे उसको हम स्टार्ट करेंगे। और आज से हमारा फेसबुक ऐड सीरीज स्टार्ट हो चुका है। हम फेसबुक एड्स में बेसिक्स बेसिक्स से लेकर एडवांस तक हम पूरी बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
बस एक से 2 मिनट में, फिर जो आज जो 1 से 2 मिनट में वेट करके फिर जो आज की क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। फिर ज़्यादा वेट नहीं करेंगे हम, जिसको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर लेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, और आज हम बात करते हैं फेसबुक ऐड क्या होता है और उसके बारे में हम डीप में बात करेंगे। फेसबुक ऐड होता क्या है, इस पर हम कैसे ऐड को भी बनाते हैं, कैसे उसको हम ऐड रन करते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म में हमारा ऐड शो होता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ओके, तो लग रहा अभी 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। फिर स्टार्ट करते हैं, सबसे बात करते हैं फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब फेसबुक ऐड क्या होता है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम क्यों उस पर रन करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन, हम फेसबुक ऐड किस लिए हम रन करते हैं। सबसे पहले क्या, हमारा कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है आपका, और आप चाहते हैं कि आप अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुँचे ऑनलाइन अपना ऐड रन करके, तो आप क्या करेंगे, अपना ऐड रन करके जो आपकी जो ऑनलाइन कस्टमर है, ठीक है, वहाँ तक आपका ऐड पहुँचेगा पोटेंशियल कस्टमर तक, तो आपका क्या होगा, बिजनेस जो है ग्रो होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐड को हम फेसबुक ऐड इसलिए हम रन करते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो हो। दूसरी चीज़, जनरेट्स लीड्स। जो कोई भी अदर पर्सन है, जो मतलब मान लीजिए कि मेरा मेरा बिजनेस मेरा यहाँ पर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और मुझे कोई मेरे को कस्टमर पर पता है कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ सब पोटेंशियल कस्टमर मान लीजिए मुंबई में है। ओके, तो मैं ऐड शो करूँगा, कहाँ करूँगा, मुंबई में शो करूँगा, कि वो पर्सन कनेक्ट हो पाए और वहाँ से मेरी लीड कनेक्ट हो पाएगी और वो मेरे बिजनेस में आएंगे। ओके, तो हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जनरेट लीड्स करने के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करने के लिए और सेल्स, ठीक है, मेरा कोई भी बिजनेस है तो उसको सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम फेसबुक ऐड का यूज़ करते हैं, फेसबुक ऐड हम रन करते हैं। ये तीन जो है बेसिक रीज़न है कि इस हम फेसबुक ऐड को रन करते हैं। ओके, वाई फेसबुक ऐड ही क्यों, ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई ये फेसबुक ऐड ही क्यों। तो हमारा जो ऑडियंस साइज है, ठीक है, जो हमारा फेसबुक पे जो ऑडियंस साइज है ओवर कितना है, 1.13 बिलियन डेली एक्टिव यूजर। ठीक, इतने लोग रोज आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, इतने ऑडियंस साइज है, इतने लोग यूज कर रहे हैं, एक्टिव यूजर है फेसबुक पे, तो हमारी जो पोटेंशियल कस्टमर बहुत है हमारे फेसबुक, इसलिए हम क्या करते हैं, फेसबुक हम ऐड रन करते हैं। दूसरी चीज की अटेंशन के लिए, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है वो मैसेंजर चलाते हैं, साथ में जो है ना फीड होता है फेसबुक फीड, उस पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं,
हम रील्स पे ऐड करते हैं, तो हर जगह हमारा क्या है, फेसबुक जो ऐड होता है हमारा चलता रहता है, तो वहां से हमारे बहुत चांसेस होते हैं कि फेसबुक ऐड से कन्वर्ट होने के पोटेंशियल कस्टमर, इसलिए हम फेसबुक ऐड वहाँ इसलिए रन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अटेंशन भी ज़्यादा है। और फेसबुक ऐड में क्या है कि टारगेटिंग भी है, कैसे हम, मैंने बताया कि लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, कैसे मुझे अपना ऐड अगर मुंबई में दिखाना है तो मैं मुंबई को लोकेशन को टारगेट कर सकता हूँ, जैसे एज कितने एज के पर्सन को आपको दिखाना है, 18 से 20 से 30 के पर्सन दिखाना है, चाहे कितने भी पर्सन आपको आपको दिखाना है, ओके, तो आपका एज भी आप वहाँ से टारगेटिंग कर सकते हैं। साथ में आप जेंडर मेल या फीमेल को दिखाना है, जेंडर को भी आप टारगेट कर सकते हैं, और इंटरेस्ट जो भी पर्सन का इंटरेस्ट है उस पर भी आप पर्सन को टारगेट कर सकते हैं, और साथ में बहुत कुछ कर सकते हैं टारगेट, इसलिए हम फेसबुक ऐड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने बात कर लिया कि हमारे इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, क्यों हम फेसबुक ऐड पे वर्क कर रहे हैं, क्यों फेसबुक ऐड हम रन करते हैं ना, इंट्रोडक्शन बात कर लिया, वाई फेसबुक ऐड, ठीक है, हमने हमारे 3 ये स्पेसिफिक रीज़न है इस पर हम फेसबुक ऐड इसलिए हम यूज़ करते हैं, रन करते हैं। अब इस पर एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है, हम फेसबुक ऐड के जो हम एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं, एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज है, सबसे पहले जो एडवांटेज है वो क्या है, कैंपेन्स आर इजी टू सेटअप। सबसे पहले जो है क्या है, कैंपेन जो मतलब उसमें हम पहले एड कॉपी बनाते हैं, एड मतलब क्या शो करना है, वीडियो करना है या एड कॉपी हमारी है, फोटो है उसको, उसके बाद हमारा क्या लिखना है वहाँ पर, है ना, किससे हमारी ऑडियंस कनेक्ट हो पाएगी, उसके बाद कहाँ टारगेट करना है ना, क्या क्या शो करना है, लिंक क्लिक बटन अपना लगाना है, उस पूरा क्या है आप इजीली आराम से कैंपेन में सेटअप कर सकते हैं, ओके, मतलब 10 से 15 मिनट में आप आराम से अपना कैंपेन कोई से भी सेटअप कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको कंट्रोल होता है डेली बजट पे, ठीक है, आपको कितना बजट डेली इन्वेस्ट करना है वो आप सेट कर सकते हैं अपने फेसबुक ऐड, और मोर टारगेटिंग ऑप्शन आर देयर, मतलब और जो मतलब जो हमने बताया था टारगेटिंग लोकेशन एज जेंडर इंटरेस्ट एंड मेनी मोर, इससे भी और स्पेसिफिक और मतलब एडवांस में आप टारगेटिंग कर सकते हैं फेसबुक ऐड में, इसलिए हम करते हैं फेसबुक ऐड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये एडवांटेज है हमारे किसके, फेसबुक ऐड के। यहाँ तो सभी लोग को समझ में आया, यस और नो, यहाँ तो सभी लोग को क्लियर हुआ, यहाँ तो सभी लोग क्लियर हुआ, अब हम बात करेंगे फेसबुक ऐड के बारे में, ठीक है, हमने बात कर लिया इंट्रोडक्शन क्या था, हमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या बात किया कि मतलब अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जेनरेट लीड करने के लिए और सेल्स के लिए हम इसको हम फेसबुक ऐड रन करते हैं, बाय फेसबुक ऐड, क्योंकि ऑडियंस साइज वहाँ पर ज़्यादा है, अटेंशन है, क्योंकि बहुत लोग सभी लोग उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, अटेंशन है, और टारगेटिंग कर सकते हैं लोकेशन एड्स एज जेंडर इंटरेस्ट एंड मेनी मोर, ठीक है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज हमारा क्या है, कैंपेन हम जो भी कैंपेन है हमारा, जो भी कैंपेन रन करना चाहते हैं वो हम इजीली सेटअप कर सकते हैं, डेली बजट पे हमारा कंट्रोल रहता है कि हमको डेली बजट कितना रन करना है उतना रहता है, और मोर टारगेटिंग ऑप्शन आर देयर, मतलब हम और अच्छे से टारगेटिंग उस पर कर सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था वाई फेसबुक ऐड, ये था हमारा कि फेसबुक ऐड हम क्यों रन करेंगे, और अब बात करेंगे फेसबुक ऐड के बारे में, फेसबुक ऐड में क्या होता है, बेसिकली 3 चीज़ होती है, एड मैनेजर होता है, बिजनेस मैनेजर होता है और पर्सनल एड मैनेजर होता है, ठीक है, 3 चीज़ होती हैं अपनी फेसबुक एड्स। एड्स मैनेजर में क्या होता है, आप एड्स मैनेजर से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एड्स एड्स होते हैं, मल्टीपल एड, कैसे हमने एक एड रन किया, उसके बाद फिर हमने दूसरा कैंपेन रन कर दिया, फिर तीसरा कैंपेन रन कर दिया, फिर चौथा कैंपेन रन कर दिया, है ना, तो सारे जो कैंपेन है वो क्या होता है, हमारे ऐड मैनेजर से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ओके, अपने ऑडियंस को एडिट कर सकते हैं, अपने बजट को एडिट कर सकते हैं, अपने प्लेसमेंट को एडिट कर सकते हैं, आपको प्लेसमेंट कहाँ कहाँ दिखाना है, रील्स पे दिखाना है, फीड पे दिखाना है,
आर्टिकल में दिखाना, कहाँ कहाँ दिखाना, वो आप ऑडियंस प्लेसमेंट को आप एडिट कर सकते हैं। साथ में क्या है, इजिली क्रिएट कॉपी और आराम से आप करें डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जैसे आपने कोई कैंपेन बनाया, आप चाहते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, तो आपको सिंपली उसको क्या करना है, आपको उसको डुप्लीकेट करके उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद उसको आप थोड़ा बहुत एडिट करके दूसरा कैंपेन बना के उसको रन कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है मेनली क्या होता है, ये एड्स मैनेजर में काम होता है। बात करते हैं बिजनेस मैनेजर की, बिजनेस मैनेजर में क्या क्या चीज होती है। बिजनेस मैनेजर में आपका जो है मैनेज एड अकाउंट, जो हमारा जो बिजनेस मैनेजर होता है, जो हमारे बिजनेस लेवल पे उसको उस पर अकाउंट बनाते हैं और बिजनेस लेवल पे उसको हम यूज करते हैं, उसमें क्या होता है एड अकाउंट, जितने हमारे एड अकाउंट होते हैं, ठीक है, एड डिफरेंट डिफरेंट एड अकाउंट, मान लीजिए कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे एड अकाउंट है, एक एड अकाउंट दूसरा मैनेज कर रहा है बिग बिजनेस, दूसरा एड अकाउंट एक बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तो हमारे डिफरेंट एड अकाउंट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से मैनेज होता है। उसके बाद क्या होता है, सॉरी, फेसबुक पेज को भी वहां से आप मैनेज कर सकते हैं, और उसके बाद जितने लोग उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जितने लोग डिफरेंट डिफरेंट एड मैनेजर में काम कर रहे हैं, वो सभी चीज आप वहां से मैनेज कर सकते हैं। ओके, मैनेज मल्टीपल पीपल हु वर्क ऑन देम इन वन प्लेस। ओके, आप सभी लोग एक जगह पर काम कर सकते हैं। ओके, और कैसे, मान ली मैं बिजनेस ओनर हूँ, ठीक है, और मुझे सबको देखना है कि सब सभी लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं ना, एड मैनेजर चेक करना है, तो सबके कैंपेन में चेक कर सकता हूँ। ओके, और उस पर मेरे उसको मैं रिव्यू दे सकता हूँ। ओके, मैं बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग एक ही बिजनेस मैनेजर से काम कर रहे हैं ना, मतलब कैसे, एक मेरा बिजनेस मैनेजर है और मैंने जो मेरे कैसे पांच बिजनेस है, तो मैंने पांच मेरे एड अकाउंट है ना, एड अकाउंट है, और सभी उस पे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, तो मैं बिजनेस मैनेजर मेरे पे है, तो मैं यहाँ से सब कंट्रोल चेक कर सकता हूँ कि किस पे क्या काम चल रहा है, क्या डेली बेजर चल रहा है, सब कुछ वगैरह, सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा। ओके, तो सब कुछ क्या है, एक ही जगह से हो रहा है, मैंने मैनेज मैनेज मल्टीपल पेज एंड एड अकाउंट फ्रॉम वन बिजनेस, ठीक है, मल्टीपल आप एड पेज को और एड अकाउंट को एक बिजनेस मैनेजर से मैनेज कर सकते हैं। ओके, इजिली एड और रिमूव एम्प्लॉय टू योर अकाउंट, और आप ये कर सकते हैं इजिली, मतलब किसी को ऐड भी कर सकते हैं आप और रिव्यू भी कर सकते हैं अपने एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट से। ओके, इस बिजनेस मैनेजर का ये बेनिफिट है। बिजनेस लेवल से रिपोर्टिंग होती है फॉर मल्टीपल अकाउंट, मतलब मान लीजिए पांचों अकाउंट है, तो पांचों अकाउंट का जो होता है एक बिजनेस लेवल पे पूरा रिपोर्टिंग होती है कि इसमें इतना बजट लगा, इतना लीड्स आई, सब रिपोर्टिंग क्या होता है बिजनेस लेवल पर होता है। ओके, ये बिजनेस लेवल पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, हमने एड्स मैनेजर के बारे में बात किया, और हमने जो है उसके बाद हमने बात किया बिजनेस मैनेजर के बारे में बात किया, ठीक है, एड्स मैनेजर हमारा हो गया है, उसके बाद हमने बिजनेस मैनेजर में बात किया, उसके बाद हम पढ़ करेंगे पर्सनल एड मैनेजर क्या होता है। पर्सनल एड मैनेजर क्या होता है, कैसे आपका फेसबुक है, ठीक है, आपका कोई पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, तो सिंपली गए आपने एड मैनेजर पर गए, अपने एड अकाउंट बनाया, ठीक है, मतलब एड अकाउंट नहीं बनाया, सिंपली आप वहाँ से एड रन किए, तो आपका क्या है वो पर्सनल एड मैनेजर है, ठीक है। क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल है तो वहाँ से आप एड बना सकते हैं सिंपली, मे और मे नॉट बी अटैच टू बिजनेस। अब आपका जो बिजनेस जो मैनेजर अकाउंट है उससे ये आपका पर्सनल एड मैनेजर लिंक भी हो सकता है और लिंक नहीं भी हो सकता है। ओके ओके, अगर आप लिंक करना चाहते हो आप लिंक भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी पर्सनल एड मैनेजर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें पेमेंट डेबिट कार्ड से भी हो जाता है, नेट बैंकिंग से भी हो जाता है, क्रेडिट कार्ड से भी होता है, यूपीआई से भी हो जाता है, और पेटीएम से भी हो जाता है। बिजनेस मैनेजर में बस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही मांगता है। सबसे बड़ी जो ये एक कहते हैं डिसएडवांटेज है बिजनेस मैनेजर का, वहाँ पर जो पेमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से होता है, और पर्सनल एड मैनेजर है ना, तो उसमें क्या है कि आप किसी भी चीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट कर दिया, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, उस पर ईजिली आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा क्या है पर्सनल एड मैनेजर का, ये है। मैं करता हूँ, एक रिपीट कर देता हूँ फिर से, ठीक है, मैं क्या क्या चीज़ मैंने रिपीट किए। सबसे
सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन, ओके, कि हम फेसबुक ऐड को हम क्यों क्यों रन करते हैं, फेसबुक ऐड हम क्यों रन करते हैं। फेसबुक ऐड हम इसलिए रन करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, सेल्स करने के लिए। जो भी मेरा कोई बिजनेस है उसको सेल्स को इंक्रीज करना, तो मुझे अपना फेसबुक ऐड रन करूंगा, और जो मेरी पोटेंशियल कस्टमर है, जहाँ तक जो मेरी ऑडियंस है, वहाँ तक अपने ऐड को पहुँचाऊंगा, फिर वहाँ से मेरी सेल्स भी होगी, जेनरेट लीड्स भी होगी और मेरा बिजनेस भी ग्रो होगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था फेसबुक ऐड का, कि हम फेसबुक ऐड क्यों रन करते हैं। हम बात करेंगे वाई फेसबुक ऐड ही, फेसबुक ऐड ही हम क्यों, ठीक है, फेसबुक ऐड ही क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो है फेसबुक ऐड का जो ऑडियंस साइज है, ऑडियंस साइज क्या है, ओवर 1.13 बिलियन डेली एक्टिव यूजर है, ओके, ऑडियंस साइज इस पर काफी है, इसलिए हम कहते हैं फेसबुक ऐड हम यूज करते हैं। अटेंशन है लोगों का इस पर, लोग काफी लोग इस पर एक्टिव रहते हैं, अटेंशन है, टारगेटिंग इस पर कर सकते हैं, लोकेशन, एज, जेंडर, इंटरेस्ट एंड मैनी मोर, तो हम इसको हम फेसबुक इसलिए हम फेसबुक ऐड को हम रन करते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या है, इसके हम एडवांटेज की बात करेंगे, एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज ये है कि कैंपेन आर इजी टू सेटअप, ठीक है, कैंपेन क्या होते हैं, इजिली सेटअप हो जाते हैं, और कंट्रोल ऑन डेली बजट, हमारा जो डेली बजट होता है उस पर कंट्रोल हमारा होता है, मोर टारगेटिंग ऑप्शन आर देयर, मतलब हम मोर टारगेटिंग उस पर हम कर सकते हैं, ओके, अच्छे से कर सकते हैं, अच्छा, और एडवांस लेवल पर हम उसको टारगेटिंग कर सकते हैं अपने ऐड को। अब बात करेंगे फेसबुक ऐड में कितने, फेसबुक ऐड एक तो होता है ऐड मैनेजर होता है, एक होता है बिजनेस मैनेजर होता है, और एक होता है हमारा पर्सनल ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर में क्या होता है, ऐड मैनेजर से हम क्या करते हैं, मैनेज मल्टीपल ऐड, जो हमारे जो जैसे हमने एक कैंपेन रन किया, फिर सेकेंड कैंपेन रन किया, तीसरा कैंपेन रन किया, तो हमने क्या करा, चार पाँच हमने क्या करा, ऐड हमने रन किया, तो उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, इजिली मैनेज कर सकते हैं। हम यहाँ से अपने ऑडियंस पर एड कर सकते हैं, बजट को एड कर सकते हैं, प्लेसमेंट कहाँ पर हमको ऐड को रन दिखाना है, क्या कहीं दिखाना, वहाँ हम सभी प्लेसमेंट को हम आराम से एड कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारा कोई ऐड कॉपी है, मतलब कोई हमने ऐड रन कर रखा, हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत एडिट करें और उसको फिर रन करें, है ना, हम लोग को दूसरा ऐड रन करें थोड़ा बहुत उसका एडिट करके, तो हम सिंपली उसको डुप्लीकेट कर लेंगे और वहां पर एड करके उसको हम रन कर सकते हैं। तो ऐड मैनेजर में ये सब काम होता है। बिजनेस मैनेजर में क्या होता है, बिजनेस मैनेजर की बात करते हैं, बिजनेस मैनेजर में क्या होता है कि मैनेज ऐड अकाउंट, इसमें क्या कर सकते हैं आप डिफरेंट ऐड अकाउंट, जैसे आप एक आपका बिजनेस मैनेजर है, उसमें आपके डिफरेंट ऐड अकाउंट होंगे, तो उसको आप डिफरेंट ऐड अकाउंट को आप मैं वहां से सिंपली मैनेज कर सकते हैं बिजनेस मैनेजर से। फेसबुक पेज को आप वहां से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, पीपल हु वर्क ऑन देम विद ऑल इन वन प्लेस, मतलब क्या है, डिफरेंट आपके ऐड मैनेजर हैं, उस पर सभी लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, और बस वो क्या कंट्रोल आप ही के पास है, मतलब आप बिजनेस मैन के एडमिन है तो आपके पास है कौन कौन पर्सन कौन कहाँ काम कर रहा है, किस एड में काम कर रहा है, वो सब आपके पास है। उसके बाद मैनेज मल्टीपल पेज ऐड अकाउंट फ्रॉम वन बिजनेस, ठीक है, मल्टीपल पेज को हम और ऐड अकाउंट को हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजर से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए ऐड और रिमूव एम्प्लॉय टू योर अकाउंट, हम किसी को भी ऐड कर सकते हैं और किसी को भी रिमूव कर सकते हैं इजिली, ओके। और बिजनेस लेवल जो है रिपोर्टिंग होती है, कैसे हमारे डिफरेंट अकाउंट है, डिफरेंट अकाउंट से क्या होता है बिजनेस लेवल की हमारी रिपोर्टिंग होती है, ओके, तो ये हमारा बेनिफिट है इसका बिजनेस मैनेजर का। और हमारा पर्सनल ऐड मैनेजर क्या होता है, पर्सनल ऐड मैनेजर का ये होता है क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल, इसलिए आप अपने प्रोफाइल जो प्रोफाइल है वहाँ से अपना ऐड को बना सकते हैं, ओके। और ये आपका जो पर्सनल ऐड मैनेजर है ये कनेक्ट हो भी सकता है और कनेक्ट नहीं भी हो सकता है किसके, आप बिजनेस मैनेजर से, ओके, तो आपके ऊपर है कि आप कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पेमेंट इसमें सबसे पेमेंट क्या है, इसमें इजीली होता है पेमेंट, कैन बी डन विद डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, इसमें आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, बट डिफरेंट फिर बिजनेस मैनेजर में आप बस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही यूज कर सकते, बस यही एक मेन डिफरेंस ये बिजनेस मैनेजर और पर्सनल ऐड मैनेजर में ये है, ओके। अब हम बात करेंगे कि आप जो है पेज को कैसे बनाएं, ओके, अब बात करेंगे कि हम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फेसबुक पे जाना है, फेसबुक में कैसे प्रोफाइल पे आ चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर आना है, आपको लिखना है यहाँ पेजेस, वो पेजेस पे जाना है, और पेजेस पे जाने के बाद यहाँ पर कैसे मेरे दो पेज है, एक डिजिटल मार्केटिंग करके एक रियल स्टेट करके, मेरे दो पेज है यहाँ पर, ओके, आपको आना है यहाँ पर क्रिएट न्यू पेजेस,
क्रिएट न्यू पेज पे आना, कैसे आपका पेज नेम दे दो, कोई पेज नेम जो भी दे दो आप, मान लीजिए डीजी मार्क में रहता हूँ, डीजी मार्क मास्टर, ठीक है मैंने आपको पेज अपना दे दिया अपना। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी मान लीजिए एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन परसेंटेड है, एजुकेशन वेबसाइट मान लो, जहाँ कुछ मान लो, ठीक है। और यहाँ पर बायो में आप ले सकते हैं, अभी वैसे तो ऑप्शनल है, यहाँ से आप ले सकते हैं आई आई एम आर डिजिटल मार्केटर आई टीच, योर पोस्ट ओके। और यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू के मैं कहता हूँ पेज को क्रिएट कर सकते हैं, मेरे पेज अभी क्रिएट हो जाएगा, तो मेरा पेज क्रिएट हो रहा है। अब यह मांग रहा है, यहाँ पर मांग रहा है अपनी वेबसाइट बताइए, फोन नंबर आप दे सकते हैं, आप ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, उसके बाद अपना एड्रेस दे सकते हैं, उसके बाद अपना ओपन आवर, कितने आवर अवेलेबल है, वो सब यहाँ पर आप डाटा दे सकते हैं ओके। और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल फोटो, एड कवर फोटो आप यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से करके इनवाइट कर सकते हैं, इनवाइट करके गो टू पेज। तो इस तरह से आप अपना प्रोफाइल पेज, अपना पेज को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ मेरा ये पेज को यहाँ से क्रिएट हो चुका है ओके। और यहाँ पर मैं पोस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर पोस्ट कर सकता हूँ, साथ में यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ मैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज को क्रिएट कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज को ओके। क्योंकि फेसबुक पेज नेसेसरी है, जब आप फेसबुक ऐड रन करेंगे तो उसमें आपका फेसबुक पेज मांगता है, तो आपको फेसबुक पेज बनाना नेसेसरी है अगर आप फेसबुक ऐड रन करना चाहते हैं तो ओके। फेसबुक पेज आप इस तरह से बना सकते हैं आप ओके। यहाँ पर एडिट वगैरह जो भी आपको करना है, यहाँ पर प्रोफाइल फोटो भी लगाना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना बायो एडिट करना है और अपने जो एड्रेस वगैरह है सब बढ़िया से आपको सेटअप करना है, ठीक है। यहाँ पर सबको सेटअप कर लेना और इस तरह से आपका पेज जो है फेसबुक पेज बन के आपका रेडी है। उसके बाद आपको कहाँ चलना है, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो होता है बिजनेस मैनेजर, जहाँ से जो आपके जो मल्टीपल एड अकाउंट जो होते हैं वो जो आपके मैनेज होते हैं, जैसे यहाँ पर कैसे मैं आता हूँ business.facebook.com/overview, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या बनाना है, क्रिएट एन अकाउंट बनाना है ओके। यहाँ पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ है कि यहाँ पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट हो पाता है, इसलिए आप अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने प्रोफाइल से पर्सनल एड मैनेजर से स्टार्ट करें ओके। और अपना बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, तो आप डिफरेंट यहाँ से अपना अकाउंट बना सकते हैं, क्रिएट एन अकाउंट पर जाके, और यहाँ से अपने बिजनेस अकाउंट नेम, योर नेम क्या है वो सब देखें और अपना इस पर अकाउंट बना सकते हैं, और यहाँ से आप इजीली अपना बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं ओके। मैं सिंपली क्या है, मैं तो सिंपली पर्सनल मैं ऐड मैनेजर जाता हूँ, पर्सनल ऐड मैनेजर है मेरा, तो उस पर मैं जाकर वर्क करता हूँ। वेट फॉर अ व्हाइल, कैसे मेरा ये आ चुका है, ओपन हो चुका है, और मैं जाता हूँ एड्स मैनेजर पे। ये मैं दूसरा जो मेरा ऐड था जो मैंने फेसबुक ऐड का रन किया था, जिससे आप लोग सभी लोग ग्रुप में आए थे, मैंने इसी से रन किया था, क्योंकि जो मेरा पिछला जो ऐड अकाउंट था वो ब्लॉक हो चुका था, तो मुझे न्यू अकाउंट बनाना पड़ा था, तो न्यू अकाउंट मैंने दूसरे प्रोफाइल से बनाया, फिर मैं ऐड रन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने चार जो कैंपेन अपने रन कर चुका हूँ यहाँ से मैं ओके। तो ये हमारा क्या है कि ओवरव्यू है किसका, एड मैनेजर। यहाँ से हम क्या करते हैं अपने सारे कैंपेन को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि हमारा कौन सा मैनेज कितना है, कौन सा कैंपेन है, कोई ऑफ है ऑन है, सब कुछ कितना लीड्स वगैरह आ रहा है, सब कुछ हम यहाँ से मैनेज वगैरह सब कर सकते हैं ओके। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आपको बिलिंग करनी है तो बिलिंग आप कहाँ से करें,
आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। एड रिपोर्टिंग आ गया, ऑडियंस आ गया, एड अकाउंट सेटिंग आ गया। जैसे मैं बिलिंग पे जाता हूँ, बिलिंग्स पे, बिलिंग्स पे जाने के बाद ओपन हो रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वेट टाइम ले रहा है ये, ठीक है। ये हमारा ओपन हो रहा है ऐड मैनेजर, ऐड अकाउंट जो हमारा जो है। और यहाँ से हम चलते हैं ओवरव्यू, चलते हैं और यहाँ चलते हैं बिलिंग्स पे। यहाँ से जो अभी ओपन हो रहा है, यहाँ से हमारा क्या होता है कि पेमेंट होता है, जो भी हमारा ऐड अकाउंट में पेमेंट को ऐड करना होता है। तो मैं दिखा रहा हूँ अभी खुल रहा है, लोडिंग बिलिंग एंड पेमेंट वगैरह ही खुल रहा है। फिर इसको ओपन हो जाएगा, जैसे ही ओपन होता है फिर दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सभी लोग जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें सभी लोग। तो यहाँ कट करते हैं। देखो आप कैसे, आप यहाँ जाएंगे ऐड फंड पे, ऐड फंड करने के बाद अगर इसमें आपको पैसा ऐड करना है, ऐड फंड पे जाएंगे। ऐड फंड करने के बाद आपको देखना है आप कितना ऑप्शन आया, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कार्ड आया, 3 मंथ नो कॉस्ट EMI आई, UPI आया, पेटीएम आया, नेट बैंकिंग आया, ओके। तो यहाँ पर क्या है, बस यहाँ पर क्या है जो पर्सनल ऐड अकाउंट है जिसमें आपको इतने सारे आपको क्या आ रहा है कि ऑप्शन आ रहा है, पर बिजनेस अकाउंट जो होगा उसमें, बिजनेस अकाउंट में ये आपको ऑप्शन नहीं आएगा। उसमें सीधा पूछेगा क्रेडिट कार्ड लाओ या डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, ओके। तो वहाँ पर थोड़ा इशू ज़्यादा रहता है, थोड़ा प्रोफेशनल वे में काम होता है, ओके ज़्यादा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग है तो आप पर्सनल ऐड अकाउंट से ही स्टार्ट करें, क्योंकि फिर अगर आप बिजनेस मैनेजर पर जाएंगे तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे शुरू में और आपका ऐड अकाउंट ऐड रन नहीं कर पाएंगे, सॉरी रन नहीं कर पाएंगे। तो आप पर्सनल ऐड अकाउंट से ही कैंपेन को बनाएं और रन करें, ओके। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा आगे क्लास। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मास्टर अमर कैसे हैं आप, मास्टर अमर जी? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ओके। अब हम चलते हैं, किस पे चलते हैं, ऐड अकाउंट पर। मैं एक आपको दिखाता हूँ ओवरव्यू कैसे कैसे हमारे कैंपेन, मतलब क्या क्या कैंपेन को तो बनाते तो क्या क्या प्रोसेस होता है, ओके। ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा सी बार ओपन हो जाए, उसके बाद फिर जो है देखिए यहाँ पे हम करना, सिंपली जाना क्रिएट पे। क्रिएट पे जाने के बाद हमको क्या करना है कि हमको अपना जो
टारगेट है, मतलब जैसे हम कैसे हमको अवेयरनेस फैलाना है, तो अवेयरनेस के लिए अगर आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना है तो ट्रैफिक के लिए, आपको एंगेज करना है तो एंगेजमेंट के लिए, आपको अगर लीड जनरेट करना है अपने अपने उसके लिए अपने बिजनेस के लिए, तो आप लीड जनरेट कर सकते हैं और ऐप प्रमोशन भी कर सकते हैं और सेल्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके तो ये सब चीज़ के आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं चलता हूँ लीड्स पे, यहाँ से मैं कर रहा लीड लीड्स पे किया और मैंने करा कंटिन्यू, ठीक है, मैंने कंटिन्यू पे क्या करते हैं क्लिक करते हैं भाई, लीड ही लाना अपने बिजनेस के लिए। सबसे सब सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है लीड ही लाना अपने बिजनेस के लिए। ओके अगर ये आप लोगों ने ये लीड लाना सीख लिया ना, तो आप किसी के किसी बिजनेस के लिए भी आप ऐड को रन कर सकते हैं और उनका बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके अब देखिए इसमें क्या है कि कैंपेन नेम आया हमारा, कैंपेन नेम क्या रहेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर तो कुछ और सेटअप करना नहीं है। यहाँ पर कैंपेन है आप दे सकते, कैसे मैं दे देता हूँ, मैं देता हूँ टेस्टिंग टेस्टिंग एड एड टेस्ट एड टेस्टिंग टेस्टिंग कर रहे हैं भैया। ओके तो हमने एड टेस्टिंग यहाँ पर दे दिया और हमने कुछ यहाँ पर ऑप्शन नहीं किया और हमने कर दिया सिंपली नेक्स्ट, ये नेक्स्ट हमको करना है। ओके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे आने के बाद हमने यहाँ पर एड सेट करा, उस नाम देना है तो दे सकते हैं, नंबर दो, और यहाँ पर कन्वर्जन आपको कहाँ लेके आना, वेबसाइट पे लेके आना है या फिर सिंपली कैसे आप लोग कब मैंने ऐड रन किया था, कब आप लोग आए थे तो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तो मैंने क्या था लीड जनरेट किया था तो आप लोगों ने आए थे फॉर्म फिल किया, तो मैंने इंस्टेंट फॉर्म किया था इंस्टेंट फॉर्म। ओके इंस्टेंट फॉर्म पे आप लोग आए थे और आप लोगों ने अपना अपना नाम एड्रेस अपना मोबाइल नंबर आप लोगों ने उस पर फॉर्म में डाला था, है ना। मैसेंजर पे लाना चाहते हैं ट्रैफिक या इंस्टाग्राम कॉल मैसेंजर वगैरह जो भी है ना, ये सब पे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि रीच कितना हो रहा है, 7.5K से लेकर 22K तक आप रीच कर सकते हैं, साथ में आप 7 लीड से 20 लीड बता रहा है, हमने कुछ अभी टारगेट नहीं किया तब भी इतना लीड बता रहा है ना। इसमें और क्या क्या होता है, डेली बजट आपको कितना कितना आपको रखना है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, इंडिया में मतलब कैसे मैं मान ली इंडिया है और मैं चल अब मैं सर्च लोकेशन क्या क्या किया, मैंने सर्च लोकेशन मुंबई कर लिया भाई, मुंबई में मुझे अपना ऐड दिखाना है, ठीक है, अपना बिजनेस ग्रो करना मुंबई में, मैं तो अपना बिजनेस ग्रो करूँगा मुंबई में, है ना, कैसे आपको करना है आपको बिजनेस ग्रो, तो यहाँ पर आपका आ गया मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, यहाँ पर क्लिक कर दो सिंपली आपका जो बिजनेस का जो टारगेटिंग है सीधा मुंबई पहुँच जाएगा भैया और आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, वहाँ से सीधा लीड आने लगेगी, ठीक है, आपका बिजनेस वहाँ तक पहुँचने लगेगा मुंबई तक। यहाँ पर आपका यहाँ से आप कर सकते हैं लोकेशन को सेट कर सकते हैं, लोकेशन के बाद आप यहाँ पर आज मैं ओवर भी दे रहा हूँ, ठीक है, एड मैनेजर को ओवर भी कैसे कैसे होता है, उसके बाद हम ऐड भी बनाएंगे आगे जाके, हम ऐड भी बनाएंगे और उससे बहुत सारा वर्क करेंगे। ओके तो टेंशन मत लीजिए किसी बात का, अभी आप ओवर भी देखो क्या क्या होता है ऐड अकाउंट का, हम क्या क्या करते हैं। ओके उसके बाद हम क्या कर सकते हैं ऐड एज को, मतलब किस एज को पर्टिकुलर पर्सन को हमको दिखाना है यहाँ से कर सकते हैं, जेंडर को दिखा सकते हैं मेल है फीमेल को कर सकते हैं ना, और टारगेटिंग लैंग्वेज हिंदी में दिखाना है कि इंग्लिश में दिखाना है, टारगेटिंग हम किसको किसको दिखाना है अपना ऐड वो यहाँ से टारगेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से प्लेसमेंट आप मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके और यहाँ पर जब आएंगे नीचे आएंगे एड नेक्स्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको फेसबुक पेज मैं बताया था ना, फेसबुक पेज इसलिए मैंडेटरी है बनाना जरूरी है कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पर फेसबुक ऐड आपसे मांगेगा, यहाँ पर फेसबुक ऐड लगेगा और नीचे क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट आपको क्या लिखना है अपने फेसबुक ऐड में सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। ओके तो इसके बारे में हम बात करेंगे भी, ठीक है, हम अभी और डीप में बात करेंगे, आज तो इंट्रोडक्शन था कि फेसबुक ऐड क्या होता है क्या नहीं होता है ना, उसके बारे में मैंने आपको आज बताया है, और जो आने वाली क्लास होगी वो सब डीप फेसबुक ऐड में डीप में आप क्लास होगी कि फेसबुक ऐड में हम क्या कैसे कैसे ऐड कॉपी लिखना है, कहाँ से आपको ऐड कॉपी लिखना, कैसे आपको ऐड कॉपी लिखना, वो सब आपको उसमें हम बात करेंगे। ओके तो अभी टेंशन नहीं लेने का आप सभी को, बस आपको क्लास को जब भी मेरी क्लास होगी तो आपको बस क्लास को लाइव ज्वाइन कर लेना, बस मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ डिलीट क्योंकि भाई
इसको टेस्टिंग के लिए बनाया था, यहाँ पे सिंपली जाऊंगा और कर दूंगा मैं डिलीट इसको। यहाँ पर मेरा कोई अब ऐड शो नहीं करेगा। ओके तो आज क्लास में बस इतना था कि ओवरव्यू था, मैं बताना था कि ऐड फेसबुक ऐड हम क्यों रन करते हैं, क्या कंपलसरी मतलब क्यों रन करते हैं, क्या इसका एडवांटेज है ना, ऐड मैनेजर कैसे काम करता है, वो सब आज क्लास में हमने आप सभी को बताया है। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम थोड़ा एडवांस लेवल की बात करेंगे और कमी जितनी भी क्लास होंगी उसमें हम फेसबुक ऐड में डीप में जाके हम बात करेंगे। तो सभी लोग जब भी मेरे ग्रुप में क्लास के बारे में आए तो सभी लोग लाइव ज्वाइन करें क्लास को और कोशिश करें कि आप लाइव आके क्लास को अटेंड करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जब भी मेरी लाइव क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय।